सजना जी मैनू छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दूजे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नी आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही तसा। जो लोग महबूब से ज़्यादा अपनी बाइक से प्यार करते हैं वो गलियों के चौराहे में रहकर ना किसी का पीछा करते हैं और ना ही किसी पे कमेंट करते हैं, वो बस निकल जाते हैं अपनी बाइक को लेके पहाड़ों की ओर और अपने सफ़र की ओर। एंड गाइस, राइडर होना ये नहीं कि आप सड़कों पे बाइकों को तेज़ी से भगाएं, राइडर वो होता है गाइस जो अपनी ज़िंदगी में अपनी राइड को ना कंप्लीट करे। सो गाइस, हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन, होप यू ऑल गाइस फाइन एंड गाइस ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का गाइस इस सुंदर से नज़ारे के साथ। एंड गाइस, अभी मैं हूँ मल्लीताल लेक के किनारे गाइस, एंड सुबह सुबह ना आप देख सकते हैं गाइस लेक का व्यू तो क्या अल्टीमेट आ रहा है। एंड गाइस, अभी मुझे जाना है तलीताल, तो गाइस वहाँ पर थोड़ा काम निपटाते हैं अपना, एंड उसके बाद गाइस आपको बताता हूँ कि यार तलीताल जाते जाते मॉल रोड कैसी हो रही क्या हो रही है गाइस। तो मिलता आपको सीधे बाइक पर गाइस, एंड उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान क्या बनता है। सो अभी मैं हूँ पॉलिटेक्निक वाली रोड पे और गाइस भयंकर क्या ठंड हो रही है यार यहाँ पे। एंड गाइस, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा बर्फ गिरती है जाओ में, क्योंकि ना गाइस ये एरिया इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि यहाँ पे ना धूप ही नहीं आती है, तो धूप नहीं आती गाइस तो यहाँ पे ना पाला भी गिर रहता है। तो आप लोग कभी नैनीताल राइड करते हो गाइस, इस वाली रोड पर ना पॉलिटेक्निक वाली रोड पर बारह पत्थर से अंदर को रोड करती है गाइस। यहाँ पे ना गाइस आप सेफ राइड करें, एक तो रोड छोटी है और टर्न्स काफ़ी हैं यहाँ पे। सो गाइस लुक एट द व्यू यार गाइस, वो ऊपर से लेकर गाइस नीचे तक ना सब जगह धूप आ चुकी है, बस गाइस इस वाली रोड पे ना कहीं कहीं पे धूप नहीं आ रही है, तो गाइस जहाँ पे धूप नहीं आई ना वहाँ पे हिल जा रही है अपनी, ठीक है। ओह गाइस, ये चीज़ ना बड़ी गलत कर रखी है, क्योंकि तो बीच रास्ते में ना बाइक लगा रखी है यहाँ पे, ऐसा ना होता है यार बैंड में, कभी भी ना गाइस कभी भी इन जगह पर ना गाड़ी मोड़नी चाहिए और ना गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, इससे ना गाइस सामान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाइस न्यू थार क्या सेक्सी लग रही है ना, लुक तो सेक्सी आ रहा है थार का ब्लैक कलर की। गाइस एक दिन अपना भी ड्रीम होगा, अपने पास भी कार होगी, अपने पास भी BMW होगी, बस गाइस अभी के लिए अपनी BMW यही है गाइस, BMW S1000 RR। देखते हैं गाइस अपने सपने कहाँ तक पूरे होते हैं। एंड गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ मन्नू महारानी होटल और नियर हाई कोर्ट के। एंड गाइस आपको ऊपर चोटी दिखाई दे रही, तो सबसे ऊपर है वो गया गाइस चाइना पिक, तो एक दिन वहाँ जाएंगे। तो गाइस आपको एक बात बताऊँ, हाई कोर्ट के वहाँ पे ना गाइस आप कभी भी हॉरर मत बजाइए, वरना गाइस आपका चालान हो जाएगा तगड़ा वाला, ठीक है गाइस। फिर मैं बताना कि आपको बताया नहीं भाई ने, तो पहले बता दिया, आप हाई कोर्ट पे कहोगे राइड करें या कहिए बाइक चलाएं, तो गाइस यहाँ पे ना नो हॉर ब्लो। गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ मॉल रोड पे। एंड गाइस लास्ट टाइम पे मॉल रोड के काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, तो मॉल रोड गाइस अपने आप में ना काफ़ी बढ़िया जगह है यार, मतलब नैनीताल की सबसे बढ़िया जगह है गाइस। और अंग्रेज़ लोग ना गाइस यहाँ पे ना अपनी सर्दी की छुट्टियाँ बनाने आया करते थे, मतलब उन लोगों को ना गाइस ये जगह ना लंदन से कम ही लगती थी गाइस, और इसकी ब्यूटी ना गाइस सच में लंदन से कम नहीं है गाइस, आप देख ही सकते हैं गाइस मॉल रोड के जस्ट बगल पर गाइस लेक बह रही है, तो मतलब इसका व्यू तो गाइस अल्टीमेट ही आता है गाइस। और आप देख रहे हैं गाइस ऊपर से भी सूरज सुबह सुबह ना माल रोड को गर्म कर रहा है यार, क्योंकि ना ठंडा बहुत हो रहा है यार, माय गॉड। एंड गाइस सभी भाई साहब गाइस थोड़ा रैप करते हैं, कंट्रोलिंग देखिए आप 81.2 सेकंड का कंट्रोल हो गया ऐसे, तो गाइस ये रिस्क आप ना लें, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे ब्रेकिंग कहाँ से करनी है, क्योंकि गाइस इस रोड पे ना बचपन से चल रहे हैं हम लोग बचपन से ही ना। तो गाइस अभी मैं हूँ तलीताल पे और ये रास्ता ज़्यादा गाइस आपको भवाली भीमताल नकुचियाताल सोमेश्वर गोपेश्वर रुद्रप्रिया कर्णप्रिया काफ़ी जगह आता है। एंड गाइस कुछ तलीताल इस तरीके का है हमारा, सुबह सुबह काफ़ी सारी भीड़ इसलिए है यहाँ की, क्योंकि कसब जो भी आता है ना गाइस पहले नैनीताल की दीदार करने के लिए यहीं पर आता है। और गाइस आप देख सकते हैं नैनीताल, तो गाइस अभी ना यहाँ उन्होंने आई लव नैनीताल लिखा है, बस एल पता नहीं कहाँ गया इनका,
तो बाइक पार्क करते हैं, बाकी यहाँ के थोड़े दीदार करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटी। गाइस मॉर्निंग में गाइस आपको नैनीताल की लगभग हर एक चीज़ गाइस अच्छी दिखाई देगी, क्योंकि गाइस सूरज सब चीज़ों को ना एकदम एक्सप्लोर कर देता है आप लोगों के लिए। एंड गाइस यहाँ तलिताल से गाइस ऊपर नैनीताल का टॉप एंड गाइस चाइना पिक तक गाइस आपको सब दिखाई देगा। वो गाइस सबसे ऊपर वाली चोटी है गाइस वो है चाइना पिक। एंड गाइस ये है अपना DSB वाला एरिया, और गाइस ये अपना तलिताल का एरिया, और गाइस यहीं आपको जुहू मिलता है। और गाइस नैनीताल की जो पूरी लेक है ना गाइस तलिताल से गाइस डायरेक्टली पूरी कंप्लीट दिखाई देती है। और गाइस आप देख सकते हैं चारों तरफ के पहाड़ों ने ना गाइस नैनीताल को किस तरीके से घेर रखा है। और गाइस यहाँ पर बतख सुबह सुबह धूप सेकते हुए और खाना ढूंढ रहे हैं शायद, यार भूख लग गई है इनको, भूख लग गई है गाइस। तो अभी अपना काम निपट चुका है तलिताल का, और गाइस जिस काम के लिए मैं आया था ना यहाँ पे वो काम आपको दिखा नहीं सकता। सो गाइस यहाँ पे ना बमों की दुकान लग रही ना, तो गाइस आज है 2 नवंबर, तो गाइस 2 नवंबर को यहाँ पे बमों की दुकान आज से स्टार्ट हो रही है, केवल 2 दिन के लिए, 3 दिन हो जाएंगे गाइस। 4 तारीख को तो गाइस कम कम ही बिकेंगे, क्योंकि उनमें सब लोग ना अपने घर को निकल लेते हैं। तो गाइस बम लोग बम ला रखे हैं भाई लोग बम काफ़ी सारे, तो बमों का तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा रहता है यार। और वैसे तो गाइस तलिताल पे एक शॉप तलिताल पर लगती है यहाँ पे, और दूसरी शॉप लगती है गाइस फील्ड पे। तो अभी हम लोग फील्ड में देखते हैं फील्ड में कितनी शॉप लगी है, बिकॉज बहुत दिन हो गए ना यार। और गाइस अभी ना यहाँ पे नैनीताल में कुछ दिन पहले गाइस ई रिक्शा भी चले हैं, तो इससे ना गाइस जो पैदल बाइक्स तो आते हैं तो उनके लिए थोड़ा रोज़गार कम हो चुका है यार। और अभी बुलेट्स का कुछ ग्रुप आया है, 3 बुलेट्स एक साथ आए हैं यार, मतलब खतरनाक ही लग रहा है। और गाइस अभी मैं मॉल रोड के नीचे वाली रोड पे, एंड गाइस कहा जाता है कि अंग्रेजों के टाइम पे ना हम लोग नीचे चलते थे और अंग्रेज ऊपर वाले रोड में चलते थे, अगर किसी को देख लेना गाइस उन्होंने तो उनके तो मतलब वाट लगा देते थे लोग। तो पहले का टाइम कैसा था और अब कितना चेंजेस हो गया है। बट गाइस अंग्रेजों के टाइम में ना नैनीताल में कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत बढ़िया करी गाइस, सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये करी कि उन्होंने नैनीताल को खोजा, वरना गाइस हम लोग ना इस चीज़ से ना दूर रहते। और गाइस नैनीताल जैसी जगह में ना मतलब क्या ही कहूँ गाइस, इसका भी होता तो गाइस आंखों भर देखने से ही बनता है यार, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है यहाँ पे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ मल्लीताल पे वापस, एंड गाइस अभी ना मेरा मार्केट पे रहूँगा। गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक एंड करता हूँ, आई थिंक आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइस थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के सपोर्ट के लिए। गाइस आप लोगों का सपोर्ट ना गाइस काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे आप लोगों से, तो थैंक यू सो मच। एंड गाइस आज का ब्लॉग ना गाइस कुछ ज़्यादा नैनीताल के बारे में गाइस, अगर आपको और कुछ ज़्यादा चाहिए होगा या नेक्स्ट वीडियो आप किसी और चीज़ चाहेंगे गाइस, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि मुझे नैनीताल के बारे में और भी क्या बनाना चाहिए। गाइस मिलते हैं आपको किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।